और बाकी दीपिका ने डॉक्टर सजेस्ट किए थे दिल्ली से दो वेल well, इनके गाने सुन के आपने नाचे तो बहुत होंगे बट आज मेरे साथ अपनी जर्नी अपनी कहानी शेयर करने आए हैं यो यो हनी सिंह ज्वाइनिंग मी ऑन द कॉन्वर्सेशन ओनली ऑन बी बी सी हिंदी थैंक यू सर ये करने के लिए आम, बहुत साल हो गए जहाँ लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया आपके गानों को बहुत प्यार दिया हम लोग तो मतलब कभी भी कहीं पर भी जाते हैं तो आपके गाने पे डांस तो ज़रूर करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई डिड यू ऑलवेज टू बिकम म्यूजिशियन आई वॉज ऑलरेडी इंक्लाइन आई वर्स अ चाइल्ड और तेरह साल की उम्र में मैं अपने स्कूल में प्रेयर्स में तबला बजाता था मैं दिल्ली में गुरहाना स्कूल में पढ़ा हूँ और वहाँ पे सिक्स स्कूल है और वहाँ मैं प्रेयर करता प्रेयर्स में तबला बजाता था उसके बाद तबला बंद कर दिया लेकिन घर पे म्यूज़िक का माहौल बहुत था 2000 हज़ार सन नाइनटीन से मैं हिप हॉप सुनना शुरू हुआ इंटरनेशनल हिप हॉप और उससे पहले रहमान सर का म्यूज़िक बहुत सुना बचपन में जब मैं दस साल का था ए, अपाची इंडियन को सुना फिर इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया टू थाउजेंड से डॉक्टर ड्रे वग़ैरह को टिम्बलैंड को फिर सोचा कुछ ऐसा करना है तो कैसे किया जाए वो नहीं समझ में आ रहा था मैंने आईटी इसलिए ली थी कि मैं बीट्स बना सकूं बीएससी इन आईटी टी तो उसमें मैंने बीट्स बनानी शुरू करी 2003 में मैं अंडरग्राउंड जो रैपर्स थे दिल्ली और गोवा के जो इंग्लिश में रैप करते थे टी नाम है उनका थर्ड डिग्री औरिजिनल उनके लिए बीच बनाता था 2005 में मुझे पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला तो मैंने गाना बनाया उनके लिए खड़के ग्लासी तेरे नाते बी बी सी चार्च में नंबर वन था लेकिन मेरे पास काम नहीं था देन आई शिफ्टेड टू पंजाब इन 2007 थाउजेंड सेवन एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर उससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था सिर्फ म्यूज़िक बनाना आता था धीरे धीरे लिखना शुरू किया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया लोगों के लिए एल्बम डिज़ाइन करनी शुरू करी आर्टिस्टों की आर्टिटों को डिज़ाइन करना शुरू किया छोटी सी उम्र थी लेकिन काम चल पड़ा था आई बस स्टार हो गया एट दैट टाइम बट मुझे कोई नहीं जानता था दिल्ली बॉम्बे वगैरह यहाँ बाहर मेट्रो सिटीज़ में रेस्ट ऑफ द इंडिया में कोई नहीं जानता सिर्फ कैनेडा इंग्लैंड और पंजाब में मेरी अच्छा नाम हो गया था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एज अ पर्सनैलिटी कि हाँ ये थोड़ा बहुत रैप भी कर लेता है और म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाता है फिर मैंने कहा मैं अब वक्त आया कि अपने आप को लॉन्च करूँ एज अ सोलो आर्टिस्ट तो अपने आप पे काम करूं फिर मैंने गाना बनाया ब्राउन रंग फिर मैंने गाने का कंसेप्ट बनाया कि इसको इस तरह शूट करूंगा इंडिया से बाहर बॉडी शॉट दूंगा पहली बार किसी आर्टिस्ट ने दिया होगा सिंगर ने उसके लिए प्रिपेयर किया फिर मेरी दुकान चल पड़ी अंग्रेजी बीट ये सब लुंगी डांस ब्लू आईज सनी सनी ये सब होने लग गया पर मुझे ये जानना कि आपने बीच में कहा कि आपको बीच में आपने जब काम करना चालू किया तो बीच में आपको काम नहीं मिल रहा था हाँ दो साल नहीं मिला तो तब एक आर्टिस्ट के लिए काम ही सब कुछ होता है बिल्कुल हौसला टूटा बहुत मतलब समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या क्योंकि मैं आई वॉज वेरी मच टिक कि मेरे को हिप हॉप भी बनाना है क्योंकि मेरे को आता है वही था बनाना तो मेरा दोस्त है मधुकांत दो साल उसने मुझे खाने पीने का पैसा दिया कपड़े भी वही लेकर आता था, था मेरे लिए पहनने के लिए गाड़ी थी मेरे पास उस पापा की थी वो उसमें सी भरवाने के पैसे भी वही देता था तो उसने मुझे बोला कि तेरे को अगर सर्वाइव करना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है उसके लिए देखो पंजाब शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि पंजाब की रीजनल मार्केट बहुत बड़ी है वहाँ बहुत लोग एल्बम्स बनाते हैं उनके लिए म्यूज़िक बना मैंने भाई उधर तो मुझे ढोलक और ढोल बजाना पड़ेगा वो मेरे को नहीं करना कहता यार एक गाना अपनी मर्ज़ी का कर लियो सात गाने उनकी मर्ज़ी के कर लियो फिर मैंने आर्टिस्टों को कन्विंस करना शुरू किया कि आप पूरी एल्बम मैं भंगड़ा एल्बम बना दूंगा एक गाना हिप हॉप रख लो और लकीली वही गाना चल पड़ता था तो हिप हॉप ही चल जाता था फिर वो दौर आ गया फिर मेरे जैसा म्यूज़िक कोई बना ही नहीं रहा था तो फिर धीरे धीरे इट्स मिन अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत वक्त लगा उसको शुरुआती दिनों में चुनौतियाँ किस तरीके की थी चुनौती बस यही थी कि कुछ नया करना चाह रहा था तो जो सिंगर्स थे वो प्रोफेशनल सिंगर्स थे वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे मेरी बात ही नहीं मान रहे थे इनफैक्ट अशोक मस्ती ने भी मेरी बात नहीं मानी थी खड़के गलाची जब मैं गाना बनाया छः महीने उन्होंने गाना रिजेक्ट कर दिया था डम्प कर दिया था उनके किसी दोस्त ने कहा कि अगर एल्बम लॉन्च करनी है तो इस गाने से करो ये कुछ नया है और वो गाना चला तो इनफैक्ट दिलजीत केम टू मी इन टू थाउजेंड नाइन फॉर हिज एल्बम ही हैड मी एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ही सेड कि भाजी एल्बम आप मेरी एल्बम डिज़ाइन करो आप एल्बम बनाओ म्यूजिक करो मैंने कहा भाजी जो जो आप कर रहे हो वो करना है कि कुछ नेक्स्ट लेवल करना है ये पहले दिन की बात है तो कहता है जी नेक्स्ट लेवल करना मैंने कहा चलो एल्बम का नाम रखेंगे द नेक्स्ट लेवल दो से लेकर दो तक मैंने वो पूरी एल्बम डिज़ाइन करी उसमें मैंने हिप हॉप गाना बनाया गैंगस्टर गाना था हिप हॉप गाना था गाने का नाम था पंगा जो बहुत चला लेकिन दिलजीत वाज नॉट कन्विंस टू रिलीज दैट सॉन्ग फर्स्ट तो वो चैलेंज सबसे बड़ा होता था यार ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात जब हो जाता था तब वो लोग समझते थे फिर मैंने कहा जस्ट लीव इट चीज नहीं नहीं मैं किसी की नहीं सुनता था, मैं आज तक तो किसी की नहीं सुनी मैं ये कहता था अच्छा आपने नहीं मेरी माननी तो सात गाने आपकी मर्जी के आठवां गाना मेरी मर्जी का <laughs> कोई बात अपनी मर्जी तो करनी है भले छोटी सी करे और वो आठवा वाला चलता ही चलता था बट ये ये मुझे जानना है कि पहले आपका नाम अलग था आपने नाम चेंज किया ये नाम चेंज आइडिया कहाँ से और कैसे ऐसे ही जस्ट पैकेजिंग सिर्फ हनी सिंह मेरा हनी निक नेम है मेरा हाँ। और सिंह इज माई लास्ट नेम तो एल्बम के पीछे उस टाइम यूट्यूब भी नहीं होता था जब मैंने शुरू किया तो एल्बम के पीछे छोटी सी फोटो लगती थी म्यूजिक डायरेक्टर की उसका नाम लिखा होता था तो जब पाँच साल बीते मैं बेस्ट अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रहा म्यूजिक डायरेक्टर रहा पंजाब में पाँच साल तक उसके बाद जब मैंने कहा कि अब मेरे को अपनी पैकेजिंग करनी है तो कुछ अलग होना चाहिए तो फिर उसमें यो यो एड किया गया तो यो यो भी बस ऐसी स्लैंग था यो मतलब आपका अपना तो जैसे हम बुलाते हैं किसी को बोला था यो मतलब ओए 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 तो यो तो यो यो मीन्स आपका अपना हनी सिंह वन पॉइंट हो हनी सिंह टू पॉइंट हो हनी सिंह थ्री पॉइंट हो अगर आपको अपनी लाइफ को सेग्रीगेट करना पड़े तो हनी सिंह वन पॉइंट टू कौन से दौर में था हनी सिंह टू पॉइंट टू कौन से दौर में था हनी सिंह थ्री पॉइंट ओ हनी सिंह का फर्स्ट वर्जन था खड़के गलासी से लेके देसी कलाकार तक वो एक वर्जन था जिसमें पंजाब की इंडस्ट्री पे मैंने अपना हक़ जमाया उसके बाद बॉलीवुड हुआ मेरे साथ पैरेलली बॉलीवुड जैसे में बड़े बड़े गाने लुंगी डांस देने के बावजूद मैंने अपना इंडिपेंडेंट सीन नहीं छोड़ा मैंने ब्लू वाइस जैसे गाने दिए फिर मैंने देसी कलाकार एल्बम तक करी फिर मैं क्रैश हो गया मैं बीमार हो गया पाँच साल के लिए दूर रहा उसके बाद 2019 से 18 से मखना मेरा एक गाना आया मैं बहुत मोटा था उसमें गाना चला सयाह जी गाना चला तो वो थर्ड सेकेंड वर्जन था गाने चल रहे थे दिल चोरी साडा हो गया एल्बम फिल्म में गाना चला छोटे छोटे मार फिल्म में गाना चला धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीमेक मेरे बिना चला लेकिन मेरे फैंस को हनी सिंह चाहिए अपने गानों पे इंडिपेंडेंटली रूल करता हुआ तो उसके लिए हनी थ्री पॉइंट वर्जन अब तैयार हुआ है जिसमें पुराना हेयर कट पुरानी फिटनेस पुरानी बातें पुराने मसाले कुछ नया मसाला तो वो लेके ये एल्बम तैयार करिए यू you नो know, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं या फिर दुनिया ऐसी है जहाँ पे हर किसी हर कोई आपको बोलेगा कि चढ़ते सूरज को ही सलामी देते हैं लोग राइट एक टाइम पे आप चढ़ते सूरज बन गए थे जब सब आपके साथ काम करना चाहते थे फिर जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में एक दौर आया जहाँ पर आप थोड़े इमोशनल लोज से गुजर रहे थे फिज़िकल लोज से भी गुज़र रहे थे क्या आपने अपनों का साथ छूटते देखा उसमें नहीं मेरे को किसी ने नहीं छोड़ा फैंस खड़े रहे सात साल तक आप ये यकीन लगाओ अगर फैंस ना पुश करते तो मैं पतला ना होता मैं पुराना हेयर कट ना कर रहा था <coughs> फैंस इंस्पिरेशन ना देते तो मैं वापस हनी थ्री पॉइंट एल्बम के बारे में ना सोचता कि एक एल्बम बनाई जाए तो सब लोग वही रहे सब कुछ वहीं वही रहा। फैंस तो बहुत प्यार आपको मतलब शिद्दत वाली प्यार है हाँ, अपनों ने भी इंडस्ट्री 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 में मेरे खास दोस्त नहीं थे इंडस्ट्री में मेरे दोस्त रहे नहीं कभी मेरी इंडस्ट्री में मेरे गॉड ब्रदर्स और गॉड फादर रहे हैं गॉड फादर रहे अमिताभ बच्चन साहब जिन्होंने अपने साथ खड़े होने का मौका मिला मेरे को मौका दिया उन्होंने इंडस्ट्री में लोग तीस तीस साल से प्ले कर रहे हैं बड़े बड़े स्टारों के लिए आज तक उनकी उनके साथ में एक फोटो तक नहीं है मेरे साथ उन बड़े बड़े स्टार्स ने स्क्रीन शेयर करी है शाहरुख भाई ने अजय देवगन सर ने अक्षय पा ने इन सब लोगों ने अमिताभ बच्चन सर ने सलमान भाई रह गए थे वो इस साल अभी इसी हफ्ते गाना आ जाएगा मेरा उनके साथ वाह हाँ उनके साथ वो वो भी सलमान भाई ने ख़ुद मुझे बोला कि हमने यार ना मिले किया था तब तुम आए नहीं थे मैं <laughs> लंदन में अपनी फिल्म शूट कर रहा था पंजाबी तो कह रहे तब तुम आए नहीं थे अब भाजी हमें साथ में गाना कर रहे मैंने कहा ठीक है भाजी जैसा आपको इन लोगों के साथ खड़ा होने का मौका मिला और तो मुझे लगता है दिस इज़ और क्या चाहिए एक दौर ऐसा था जहाँ पे कहा जाता था कि आप एरोगेंट है आप लोगों के साथ झगड़ा करते हैं मतलब ड्रग एडिक्ट, एडिक्ट शाहरुख सर ने आपको थप्पड़ मारा है ये सारे स्टोरीज एक तो आप मेंटली लो थे तो ये स्टोरीज आपको कभी अफेक्ट कर रही थी तभी मेरे को कभी भी नहीं करी ये स्टोरी तो बाद में हुई मेरे साथ मैंने जब डोप शोप ना मारे करो इंटरनेशनल विलेजर अपनी एल्बम लॉन्च करी तो तब पंजाब में मेरे पुतले साड़े गए पुतले जलाए गए मेरे कि ये क्या कर रहा है ये कल्चर को खराब कर रहा है डोप डूब के ऊपर गाने बना रहा है ये सब मैंने कभी किसी चीज़ को तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोग आपको प्यार कर रहे हैं ये कुछ कॉन्सपेसी करने वाले लोग हैं जो आपका फोकस हिलाना चाहते हैं अगर आप इनसे इफ़ेक्ट हो गए तो फिर वो लोग कामयाब हो गए जो कुछ चंद लोग हैं लेकिन मिलियंस वाले लोग तो आपको प्यार कर रहे हैं अगर लोगों ने मुझे प्यार ना करना होता अगर मैं कल्चर ख़राब करने वाला एक ड्रग एडिक्ट होता तो मुझे लोग घर घर में बच्चे बच्चे माँ बाप और बहन भाई कैसे मिलते इतने सारे जो मिले वो इसीलिए मिले क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार किया कि अरे तो सही है तो हमारे जैसा है बट oh, जब man. आपने वो टूर किया था ना शाहरुख इन अमेरिका और मेरे को वहां से वापस आना पड़ा वो मेरा शो चल रहा था प्लस पे जो मैंने डेढ़ साल में डिजाइन किया था मैं जज था उस शो का बहुत बड़ा शो था लेकिन मैं बहुत क्रैश कर गया था क्योंकि वो जो बायपोलो डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स मुझे हुए थे इट्स बाप ऑफ ब्लडी मेंटल हेल्थ तो उसने मुझे बहुत हिला दिया था तो मेरे को बोला कि मेरे से अब काम नहीं होगा मुझे घर लेके चलो तो घर वाले बोले कि ये केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा सू कर देंगे इतना बड़ा शो शोगी है कॉन्ट्रैक्ट है मगर जो मर्जी है मेरे को अभी घर जाना है मेरे को कुछ नहीं करना मीडिया ये बोलेगा वो मेरे को किसी से कुछ नहीं देना मेरे को अपने आप को ठीक करना है तो फिर मेरे को अपने आप को ठीक करने करने में भी पाँच सात साल लग गए नहीं आपने जैसे कहा कि अभी कि वहाँ पे आपको लगा था कि आपको बताया भी गया था कि आपको सू कर देंगे बट जिनके साथ आपने टूर किया बिचे शाहरुख खान वो आपको अपने भाई जैसे ही मानते हैं हमेशा से उन्होंने कैसे रिएक्ट किया उन्होंने उन्होंने तब आपको हेल्प की नहीं, उन्होंने बोला उन्होंने आके बोला जब मेरे को आज भी याद है शायद शिकागो का शो था तो मैंने बोला नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर रहा मुझे मुझे सिम्टम्स आ रहे थे बड़े गंदे से कि बहुत गंदे सिम्टम्स आ रहे थे मुझे तो मैंने कहा मैं परफॉर्म नहीं करूँगा आज तो शाहरुख भाई ने बोला मेरे मैनेजर को एक्स मैनेजर को कि इसको मेरे पास लेकर आओ मेरे पास लेकर आए बैठे बातें करी पाँच मिनट बात करी कहते है, नहीं ये ठीक नहीं है मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ मैं ठीक नहीं हूँ कह रहे इसको भेज दो उन्होंने भेज दिया तो करीम भाई ने मेरे को अरेंज किया फटाफट से सारा कुछ तो उन्होंने भेजा तो उसके बाद भी जब मैं बीमार रहा मैंने पाँच साल तो फ़ोन वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करिए किसी आदमी से फ़ोन पर बात नहीं करी लेकिन शाहरुख भाई के यहाँ से अक्षय बाजी से मैंने बात करी थी दो बारी मेरे को आज भी याद है दो में बात करी थी सोलह में बात करी थी एक बारी और बाकी दीपिका ने डॉक्टर सजेस्ट किए थे दिल्ली से दो और सबकी बहुत सपोर्ट रही मेरे को सबने बहुत सपोर्ट किया कि क्योंकि उन लोगों को पता ये हो सकता है हाँ हा, इंसान उन लोगों के लिए नया नहीं था शाहरुख भाई कह रहे थे कह रहे देख लेते को लगता है तू कर लेगा शो मैं भाई मैं नहीं कर पाऊँगा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं साइकोटिक ये रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल तो मैं परफॉर्म कैसे करूँगा मुझे आज भी याद है मैं स्टेज पे शो पे, पे मैं चढ़ गया था और मैंने एक गाना परफॉर्म किया था और वो गाना वहीं रुक गया था मैं रुक गया था गाना का तो फिर फटाफट से अभिषेक भाई नाचता हुआ आया और दीपिका नाश्ती भाई मैम फरा, फरा नाचती भाई और मुझे बहाने से ले गए तो उन्होंने वहां पे ये शो किया कि ये एक एक्ट एक था उन्होंने शो उस शो उस को वैसे संभाला कि ये शो में एक एक्ट था कि नहीं, नहीं गाया तो ऐसा ये हुआ था एक्चुअली में जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला मैं इंटरव्यूज नहीं देता था ना चक्कर ये था मैं इंटरव्यूज नहीं देता था बिल्कुल भी अभी दे रहा हूँ दो तीन महीने से बस मेंटल हेल्थ के बारे में आपने आवाज़ उठाई है वो बहुत लोग नहीं करते जैसे आपने कहा कि दीपिका ने आपको सजेस्ट किया था दीपिका पाडुकोन भी एक मतलब एक जमाने में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स जिन्होंने आके अपने मेंटल हेल्थ को एड्रेस किया था डू यू थिंक कि आस्ते आस्ते वो स्टिग्मा जा रहा है या फिर अभी भी वैसा है जहाँ पे लोग uh, सोचते हैं कि ये मेरे को एक बीमारी है तो इसके बारे में बात नहीं कर सकते आपको बहुत... कितने लोगों ने बोला था कि बात मत करो क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला था मैंने खुद ही नहीं बात करी थी मैं वैसे ही पहले बात नहीं करता था मीडिया वगैरह से तो जब ये भी मैं पिछले तीन महीने पहले मैंने इंटरव्यूज़ करने शुरू करे हैं तो भी आके मेरे से सबने पूछा भाई आप गायब कहाँ थे तो वो भी मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा था मैं अपने सिर्फ फैंस को ये बता रहा था जो मेरे लिए तड़प रहे थे सात साल से कि मैं था कहाँ तब मैंने अपनी कहानी कही मेरी जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है मुझ पर बन रही है जो नेटफ्लिक्स बना रहा है उस पर मैंने बहुत डिटेल में ये बातें करी हैं कि वो सात साल डार्कनेस के थे क्या मुझे हुआ क्या और वो कैसे हो जाता है और वो उसके क्या रीज़न्स थे तो वो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे लगता है कि और मेरे को लगता है कि मैं अब जो केसेस देख रहा हूँ कि नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे बच्चों को चीज़ें हो रही हैं और माँ बाप ये कह है देते हैं नहीं 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 किसी को बताना नहीं किसी को बताना नहीं कोई क्या कहेगा बेटा पागल हो गया हाँ मैं ऐसा मैं ऐसी स्टेज में था मैं आपको क्या बताऊँ कि आपने कभी सड़क पर चलते देखे होंगे ना पागल लोग होते हैं जो जो चल रहे होते हैं मैं उस स्टेज पर था और मैं घर पर था वैसा एक डेढ़ साल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है उस उस, उस उत, उतना मेरा केस ख़राब हो गया था मैं आपके फैमिली ने कैसे आपको संभाला था भी डिफिकल्ट नहीं पता नहीं, नहीं यार कैसे किस चीज़ के बने हैं वो लोग उन्होंने पूरा संभाला मैं इनफैक्ट ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने तो घर छोड़ दिया था 2007 में मैं पंजाब चला गया था ठीक है उसके बाद मैं उनको वक्त नहीं दे पाया फिर मैं दो से स्टार बन गया उनको वक्त नहीं दे पाया दो में जब मैं उनके पास वापस आया वो अमेरिका का शो छोड़ के तो किस हालत में वापस आया मैं ये सोचता हूँ आज तो आज मेरे को उनकी इतनी वैल्यू और बढ़ गई है कि यार मैं इनको वक्त दूँ जब मेरे पास सब कुछ था तब तो मैंने इनको वक्त नहीं है जब मैं सबसे घटिया हालत तो में इनके पास पहुँचाऊँ जहाँ मुझे माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए जवान बहन की शादी करनी चाहिए वो मेरा ध्यान रख रहे हैं मेरे लिए दवाई ला रहे हैं मेरे लिए पापा प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहे हैं हर डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहे हैं ये हो क्या रहा है पर्सनली भी आपके लाइफ में यू नो विद विद रिस्पेक्ट टू योर मैरिज आपने बहुत कुछ झेला है क्या आपने उस बारे में भी, भी कभी बात, बात करने का सोचा है या फिर अपना साइड पेश, 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 पेश करने का सोचा है या उस दौरान आपके दिमाग में क्या गुजर रहा था उस दौरान जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो मामला कचहरी में गया और कचहरी में हमने अपनी सफ़ाई दी और मैं कहीं और सफाई देना नहीं चाहूँगा अपना पक्ष रखना नहीं चाहूँगा क्योंकि अगर मैं अपना पक्ष रखूँगा तो ये ना हो कि जो मेरी एक्स वाइफ थी उनके बारे में कुछ लोग गलत सोचें उनको गलत पर्सपेक्टिव से लें क्योंकि वो भी किसी की बहन है किसी की बेटी है तो मैं उन उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहूँगा मेरा सारा फोकस करियर पे है फैंस के लिए है मेरा ये परिवार है इनको साम्भ लूँ संभाल लूँ और माँ बाप और इन सब की सेवा कर दूँ जितना हो सकता है बाकी शादी वगैरह का अभी ऐसा कुछ भी मेरा आइडिया नहीं हनी सिंह थ्री पॉइंट अगर बोला जाए तो हनी सिंह थ्री पॉइंट में हमको आप कैसे दिखोगे मतलब आपने अपने लिए एक प्रोटोटाइप तो बनाया होगा एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ये जो थ्री पॉइंट वर्जन है ये टू से ऐसे डिफरेंट होने वाला है अलग है क्योंकि दौर बदल चुका है टाइम बदल चुका है और मैं एक चीज़ की प्रॉमिस करना चाहूँगा अपने फैन से और सब लोगों से कि ब्राउन रंग ब्लू आइज लुंगी डांस पानी पानी चार बोडल बोर्ड का एक जैसे गाने नहीं हैं सब अलग गाने हैं तो उसी तरह मैं एक जैसा काम नहीं करना चाहता जब मैं गायब हुआ तो मुझ जैसा काम कई का लोगों ने किया अगर मैं ही वैसा काम करने लग जाऊंगा तो उनमें मेरे में कोई फ़र्क नहीं है तो हनी थ्री पॉइंट ऐसा अलग सा प्रोडक्ट है जैसे मैं पहले करता था आई यूज टू मेक स्टूपिड सॉन्ग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल वे लाइक ब्लू है पानी पानी इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग मोस्टिट सी नो बडी वॉज डूइंग दैट चार बोटल ओट का काम मेरा रोज का नो बडी वॉज डूंगट सो आई एम जस्ट ट्राइंग इन हनी थ्री पॉइंट ओ विच इज नो बडीज डूंग विच इज़ वॉट क्या करने वाले हो आप रोमांस डांस मसाला बहुत कुछ है थेठ पंजाबी पार्टी पार्टी भी बहुत अलग तरीके से यही नहीं कि शराब की बात करे जा रहे हो या पार्टी की बात करे जा रहे हो वो सब बहुत करी मैंने वो सब चला गया वक्त अब लेकिन कुछ नया करे सब जब आपने वापसी की थी ना 2.0 वर्जन में तब तो आपको कितना ये कुछ नॉइजेस सुनने को मिला था आजू बाजू हाँ सब चलता रहता है कि नॉइस में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ और दूसरी बात यह है कि किसी भी इस पूरी दुनिया में इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें सिमिलर नहीं है ट्विंस भी जो होते हैं ना वो सिमिलर नहीं होते Absolutely. ठीक है Go. ना एंड ऑनली वॉन्ट से